नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है, क्योंकि दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। अरविंद केजरीवाल ने दो दिन पहले ऐलान किया था कि वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद से ही ये चर्चा चल रही थी कि आखिर कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। तो अब आतिशी के नाम का ऐलान हो चुका है और वही होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। जी हाँ, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने विधायक दल की मीटिंग में आतिशी के नाम को आगे रखा है। विधायकों से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं केजरीवाल, और आप बखूबी समझ सकते हैं कि अगर केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव दिया है तो विधायक उसका अपोज करेंगे, इसकी बहुत कम ही संभावना है। और आज शाम LG से मुलाकात भी अरविंद केजरीवाल करेंगे, और केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, और विधायक दल की नेता इसके बाद आतिशी चुन ली गई हैं। वही हम जो कह रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल ने नाम का प्रस्ताव रखा है तो 62 विधायक उनका अपोज नहीं करेंगे, उनके विरोध में बातें नहीं बोलेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने जो फैसला कर दिया वही सर्वमान्य आम आदमी पार्टी में फैसला होता है। और अब विधायक दल की नेता आतिशी चुन ली गई हैं। कालका से विधायक हैं और पिछले कुछ समय से वो सबसे ज्यादा एक्टिव नेताओं में आम आदमी पार्टी की रही हैं। आपको याद होगा कि केजरीवाल जब जेल में थे और 15 अगस्त को झंडा फहराना था, तो उस दौरान भी केजरीवाल ने आतिशी को ही झंडा फहराने के लिए कहा था। हालांकि जब मामला आगे बढ़ा तब फिर आतिशी ने झंडा नहीं फहराया था, और उसी दिन एक प्रकार से तय हो गया था कि अगर कभी ऐसा मौका आया कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़े तो फिर आतिशी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। आपको याद होगा कि जब PAC की मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल मंच पर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, तो उस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वो दो दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उन्होंने मनीष सिसोदिया का भी पत्ता वहीं पर मंच पर बैठे हुए काट दिया था और कह दिया था कि सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और उसके बाद से ही चर्चा चल रही थी कि आखिर किस नाम का ऐलान होता है। तो अब तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, दिल्ली को अपनी तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी हैं, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, और अब आतिशी दिल्ली की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में 2025 फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बड़ा घटनाक्रम हुआ है और अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं बड़ा दाम चला है, ये बेहद दिलचस्प है आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना। अब आपको समझा देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया क्यों था। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल फिलहाल में ऐलान किया था कि वो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये भत्ता देंगे हर महीने, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि केजरीवाल कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं और वो पद पर रहते हुए किसी भी तरीके का कोई फैसला और साइन नहीं कर सकते हैं, तब केजरीवाल बहुत मजबूर हुए, और इसीलिए उन्होंने बहुत शानदार दिमाग चलाते हुए अब की जेल से छूटने के बाद, जमानत मिलने के बाद इस्तीफा दे दिया, नया मुख्यमंत्री भी बना दिया। और चुनाव से पहले जो सबसे बड़ा दाम था महिलाओं के 1000 रुपये देने का, अब उसका रास्ता भी साफ हो गया, क्योंकि अब विधानसभा का सत्र भी बुला लिया गया है। अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते तो विधानसभा का सत्र भी नहीं बुला सकते थे। तो अब आतिशी बाकायदा मुख्यमंत्री के तौर पर विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, और उस विधानसभा सत्र में पास कर दिया जाएगा 1000 रुपये देने का जो आदेश है, और इससे 2025 का चुनाव भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक शानदार तरीके से जीतने की कोशिश करेगी। फिलहाल की खबर यही है कि आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की होंगी, और आगे जो भी घटनाक्रम होगा दिल्ली का आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस पर।